जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणु गोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 11 विश्वरूप संदर्शन योग श्लोक 10। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेक उद्यत आयुधम् ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को विश्वरूप समदर्शन योग सिखा रहे हैं। इसी क्रम में संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, हे राजा धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। इस विश्व रूप में अनेक मुख, अनेक आंखें और असंख्य चमत्कार है, असंख्य दिव्य आभूषण है। और श्री कृष्ण परमात्मा उस सार्वभौमिक रूप में कई दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं और विभिन्न दिव्य अस्त्र चलाते हैं। इस प्रकार संजय श्री कृष्ण परमात्मा के दिव्य विश्व रूप को भक्ति पूर्वक देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को उसका वर्णन कर रहे हैं। आइए हम भी अपने मन में श्री कृष्ण परमात्मा के विश्व रूप का श्रद्धापूर्वक चिंतन करें और याद रखें कि हम जो भी जीवित प्राणियों को देखते हैं, उनके चेहरे और आंखें, इस दुनिया में जो भी अजीब या आश्चर्यजनक चीजें हम देखते हैं, जो भी चमत्कार, शानदार आभूषण और अस्त्र हम देखते हैं, वे सभी हमारे श्री कृष्ण परमात्मा के हैं जो उस सार्वभौमिक रूप में प्रकट है। उस समझ के साथ आइए इस ब्रह्मांड में हर जगह श्री कृष्ण परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करें। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमद् नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए आइए हम संजय के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयत्न करें। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं, मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन्नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन्नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन्नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन्नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन्नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन्नारायण, मुझे आपके शब्द
मामेकं शरणं व्रज, याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां सुचह, याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद् गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को आठ वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दे। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु, जय श्रीमन नारायण। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेक उद्यत आयुधम ओम। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष अनुरोध, हम अपने जीवन में सभी चीजों में तत्काल और सफल परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आइए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायणस्त्रम का पाठ करें। नारायणस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायणस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो कि है www.narayanastram.org, और रजिस्ट्रेशन में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल पर आपको नारायणस्त्रम पीडीएफ प्राप्त होगा। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इनमें से तीन को एक साथ मिलकर नारायणस्त्रम कहा जाता है। हर किसी को इन श्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है। जब 24,000 भक्तों के साथ हर कोई प्रतिदिन अपने नारायणस्त्रम को पढ़ते या सुनते हैं, संपूर्ण रामायण पारायण की एक माला, श्रीमद् भगवद गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत पारायण की 24 माला प्रतिदिन पूर्ण होती है। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाएं और अपना नारायण स्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।